बिस्मिल्कमन रहीम वी आर डूंग पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट जिसमें हम मल्टी फैक्टर मॉडल्स को हम डिस्कस कर रहे थे मल्टी फैक्टर मॉडल्स की डिफरेंट हमने बात की थी कि व्हाट आर द टाइप्स व्हाट आर द बेनिफिट्स आज हम इसके फर्दर थोड़ी डाइनमिक्स की बात करेंगे कि हाउ दे वर्क द कंस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी फैक्टर मॉडल इज़ एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस क्योंकि ये एक नई एवोल्यूशन है हैज हुई है तो इसमें बड़ा एक चीज़ आ रही है और ये इमरजिंग फाइनेंस में आ रहा है कि नए नए इस पर रिसर्च हो रही है फर्दर इस पर काम हो रहा है थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी फैक्टर मॉडल्स एंड दे रेलिवेंट फैक्टर अब हमने कुछ बिकॉज ये लिस्ट लॉन्ग है हमने बात की थी तीन कैटेगरीज में टू वील बी डिस्कसिंग फ्यू मॉडल्स टू है बेसिक so ग्राफ we'll जो कि फ्रीकुंटली यूज़ किए जाते हैं तो उनमें से हम तीन मॉडल्स को आज हम डिस्कस करेंगे फॉमा फ्रेंच मॉडल ये बेसिकली होता गया है जो uh, जो ये मॉडल प्रेजेंट करते हैं तो फिर आगे से मॉडल की जो नाम होता है या टैगिंग होती है उनके नामों के साथ ही लिंक हो जाती है फमा फ्रेंच ने ये मॉडल प्रेजेंट किया था दे यूज द फैक्टर्स ऑफ साइज एंड वैल्यू ऑफ टू ड्राइव द एसेट्स रिटर्न कि ये डिफरेंट उसके साइज़ और उसके जो उनकी वैल्यूज़ हैं दैट विल डिटर्मिन वैल्यू रिटर्न फॉर अ पोर्टफोलियो इट इज़ अ बेटर अप्रोच दैन कैपम अब हम ये नहीं अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैपम इज़ नॉट एनी गुड बट डेफिनेटली वेन वी आर तो हमें रिलेटिवली डिग्रीज की बात करते हैं क्योंकि एक एप एम नॉर्मली सेवेंटी परसेंट तक के जो रिटर्न हैं उनको एक्सप्लेन करा होता है वेर एज यू फेमा फ्रेंच जो हम बात हैं ये नाइन्टी परसेंट रफली नाइन्टी परसेंट को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो रिटर्न एक्सपेक्टेड हैं नाइनटी परसेंट आर बी रिफ्लेक्टेड बाई द मॉड्यूल्स और द मल्टीफर मॉडल दे हैव प्रजेंटेड तो इसकी यू कैन सी के इम्प्रूवमेंट्स और जो बेनिफिट है वो इम्प्रूव हो चुका है द फैम फ्रेंच मॉडल एम्प्लॉयज थ्री फैक्टर्स उसमें क्या बात करते हैं एस एम बी स्मॉल माइनस बिग यानी कि स्मॉल से मेरा बात यहाँ पे स्मॉल कैप एंड बिंग बी लार्ज कैप हाई माइनस लो यहाँ पे भी वैल्यूज की बात अभी हम इनकी डिटेल्स को भी फर्दर और डिस्कस भी करेंगे देन पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न ये तो बड़ा बेसिक है कि रिटर्न पोर्टफोलियो का और रिस्क फ्री का जो कंपेरिजन है रिस्क प्रीमियम फैक्टर जो है वो उसकी बात करें तो ये तीन पार्ट्स में यानी कि तीन फैक्टर्स से ये कहते हैं कि ये ड्राइव होके वैल्यू आती है एस एम बी कैटेगराइज पब्लिक ट्रेडिड कंपनीज विध स्मॉल मार्केट कैप दैट जनरेट हायर रिटर्न तो ये बेसिकली एग्जाम्पल देखा जाता है कि स्मॉल कैप जो हैं स्टॉक्स उनके रिटर्न थोड़े ज्यादा है तो ये उस लॉजिक को उस फैक्टर को कैप्चर करते हैं एच एम एल यूज इज वैल्यू स्टॉक विद हाई बुक टू मार्केट वैल्यू शो दैट जनरेट हाई रिटर्न जिनकी बुक टू मार्केट वैल्यू यानी ज्यादा है उनके रिटर्न ज्यादा जनरेट लिखे गए हैं तो ये उस फैक्टर को इनकॉपरेट करते हैं फॉर्मूला वो फ्रेंच इज Yeah, in front, right in front of you, हम बेसिकली जो पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना चाह रहे हैं आर आई टी माइनस आर एफ ये भी इसके हम सारे एक्सप्लेन भी करेंगे कि वट आर दीज फैक्टर्स बट मेक श्योर वी नोट इट एंड कम बैक एंड टोटल रिटर्न ऑफ द स्टॉक और पोर्टफोलियो जो अंडर कंसिड्रेशन है उसका रिटर्न कितना है और आर एफ जो रिस्क फ्री रेट वेरी कम्फर्टेबल विद इट आर एम एट टाइम टी इज दिटर्न और आर आई डी माइनस आर एफ इज द एक्सेस रिटर्न यानी कि जो वो रिस्क प्रीमियम है आर एम माइनस आर एफ जो है ये इंडेक्स से हमारा ओवर एंड अब क्या है रिटर्न एक्सेस रिटर्न टू द मार्केट पोर्टफोलियो के आर एफ और मार्केट का क्या लिंक है फिर हमारा आर एम का और हम आर एफ का और अपने पोर्टफोलियो रिटर्न को भी हम देख रहे होते हैं तो हमारा मेन तो जिस्ट है के अपने पोर्टफोलियो को रिटर्न करना लेकिन हम उसके कॉम्पोनेट्स देख रहे हैं कि दीज आर थ्री कॉम्पोनेट दैट विल एड टू द वैल्यू ऑफ द फार्मा फ्रेंच मॉडल तो पहले इसको उसके फॉर्मूला को जैसा मैंने कहा था एक दफा दोबारा देख लेंगे तो यू कैन सी के जो हमारा पहला पार्ट है दैट इज द हमारा हमारा अपना पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस द आर एफ यानी कि वन एलिमेंट देन वी हैव द बीटा विद रिस्पेक्ट टू मार्केट के साथ उसकी सेंसिटिविटी फिर एस एम बी और एच एम एल इन तीनों फैक्टर्स को कैप्चर करके हमारा पोर्टफोलियो के रिटर्न एक्सपेक्टेड जो है मूविंग टू नेक्स्ट मॉडल इज कैट फोर फैक्टर मॉडल कार्ड बिल्ड्स ऑन टू फार्मा फ्रेंच ये फार्मा फ्रेंच के मॉडल को ही उसने फर्दर एक्सटेंड किया उसने एक और फैक्टर इनकॉपरेट किया जिसका नाम है मोमेंटम मोमेंटम के डायरेक्शन में जब मार्केट मूव करती है या एक आ, इंडेक्स मूव करता है या स्टॉक मूव करता है तो वो उसी पैटर्न को कुछ टेम के लिए फॉलो करता है दैट इज कॉल्ड मोमेंटम फ्लो जिसको आप कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम एन एसेट कैन यूज टू प्रिडिक्ट एसेट्स फ्यूचर रिटर्न मतलब हमारा मोमेंटम को भी बिल्ट इन करके हम रिटर्न को एक्सपेक्ट कर रहे हैं अंडर दिस का मॉडल ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी है वो इस वजह से कंट्रोवर्शियल है क्योंकि बेसिकली दो लाइंस चलती हैं फाइनेंस में एक ट्रेडिशनल है और एक बिहेवियर है तो जो मोमेंटम वाली पार्ट है ना दैट्स मोर टूवर्ड्स बिहेवियर फाइनेंस तो क्योंकि इसमें ट्रेडिशनल वालों में थोड़ा सा बिहेवियर का एलिमेंट डाल दिया उन्होंने तो ये थोड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल चलता है लेकिन इसकी जो एप्लीकेशन और इसकी यूटिलाइजेशन है दैट्स इवन बेटर हमने देखा था कैपेम सेवेंटी परसेंट था और फार्माफ्रेंच नाइन्टी परसेंट था वेर एज हार्ड मॉडल की जो एक है हमारी वो पावर दैट इज़ इवन नाइन्टी फाइव परसेंट रिटर्न को एक्सप्लेन कर लेता है ये मॉडल तो यू कैन सी कि ये इसकी यूटिलाइजेशन और इसकी जो इम्पैक्ट्स हैं दैट आर इवन मच बेटर इसके बाद एक जो अगला मॉडल है वो फैमा फ्रेंच खुद ही ले आए देखे मब विद एनदर मॉडल दैट इज फेमा फ्रेंच फाइव फैक्टर मॉडल अब इसमें यू कैन इमेजिन कि फाइव फैक्टर्स आ गए हैं तो कैप्चरिंग डाटा जो है दैट्स वाइडर इसमें उन्होंने क्या दो एलिमेंट्स ऐड किए दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी को ऐड कर लिया है और इन्वेस्टमेंट को ऐड कर लिया है तो इन देयर रिस्पेक्टिव मॉडल इट यूज रिटर्न ऑफ स्टॉक विद हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि जो जिसकी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी लेवल ज्यादा हैं वो एक फैक्टर को बिल्ट इन कर लिया और माइनस द रिटर्न स्टॉक विद लो नेगेटिव ऑपरेटिंग यानी कि जो पहला जो डिफरेंस था हमने उस इस फैक्टर में ये देख लिया कि हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी जिसकी है या जिस लो है उनके जो सिंबल्स के साथ उस फैक्टर में चेंज को इसमें बिल्टेन कर दिया एट टाइम फैक्टर इज रिप्लेस क्वालिटी फैक्टर मतलब आप एक फैक्टर की जगह कोई दूसरा फैक्टर जो क्वालिटी फैक्टर है वो भी ला सकते हैं द इन्वेस्टमेंट फैक्टर रिकिग्नाइज द लेवल ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितने साइज का प्रोजेक्ट है एक प्रोजेक्ट टू बिलियन का है एक ट्वेंटी बिलियन का है पिछले मॉडल्स उसको ये कैप्चर नहीं कर रहे थे कि व्हाट इज द साइज तो ये मॉडल फिफ्थ जो है उनका फेमा फ्रेंच का फाइव मॉडल ये इन्वेस्टमेंट साइज को भी कैप्चर करता है कि बिजनेस की ग्रोथ और साइज वट इज द फैक्टर इट इज टिपिकली नेगेटिवली को रिलेटेड विद द वैल्यू फैक्टर हमने कहा था कि सेंसिटिविटी जो है इट्स नॉट नेसेसरी कि वन या उससे ज्यादा ही होनी है या पॉजिटिव ही होनी है इट कुड भी इवन नेगेटिव जैसे आपको रिमेंबर एक हमने केस किया था हमने स्टॉक के फैक्टर्स में गोल्ड लिया था अब जब गोल्ड लिया था तो उसकी सेंसिटिविटी हमारी नेगेटिव थी क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती हैं तो नॉर्मली स्टॉक्स की प्राइसेस में फॉल देखा जाता है यहाँ कोर रिलेशन उनकी नेगेटिव हो सकती है गिवन द नंबर ऑफ फैक्टर्स फेमा फ्रेंच मॉडल इज एट टाइम्स नॉट प्रैक्टिकल टू बी इम्पलीमेंटेड इन सर्टन इकोनॉमीज है तो बहुत अच्छा बड़ा उसने और चीजों को बिल्ट इन कर दिया बट इन सर्टन सर्कमस्टांसिज इट्स नॉट वेरी ईजी टू इम्प्लीमेंट क्योंकि इट्स लाइक कैप्चरिंग सो मैनी थिंग्स और उसकी जो नीड द रिक्वायर्ड डेटा उतनी स्ट्रेंथ ऑफ मार्केट्स यही जगह नहीं होती तो हर जगह ये अप्लाई नहीं हो सकता बट इट इज़ ऑल्सो अनाउंड वन एंड हैविंग अ हायर लेवल ऑफ एक्सप्लेशन मल्टी फैक्टर मॉडल हैव एप्लीकेशन टू रिटर्न एट्रीब्यूशन ये हम बात रिकॉल करने के लिए कर रहे हैं कि ये जो हम मल्टी फैक्टर्स की बात कर रहे थे रिटर्न एट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है रिटर्न वट आर द फैक्टर्स रिस्क एट्रीब्यूशन के कहाँ से रिस्क ड्राइव हो रहे हैं पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट होना चाहिए स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे होंगी तो so, ये सारे फैक्टर्स में हमें ये हेल्प आउट करा होता है एंड इट्स यूज एक्सटेंसिवली इन द फाइनेंस वर्ल्ड थैंक यू